प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ दौरा आज। न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का करेंगे शुभारंभ, 75 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आप नेता ने ट्विटर पर ट्वीट किया किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाला वीडियो, बीजेपी सरकार पर कसा तंज, कहा एंकार में चूर गुंडों ने किसानों की को गाड़ी से रौंदा। मोदी सरकार ने की बड़ी पहल, दुर्घटना के पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वालों को मिलेंगे 5,000 रुपए। 15 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी होगी योजना। महंगाई ने तोड़ी लोगों की कमर, सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में किया इजाफा, पेट्रोल और डीजल के बढ़ाए गए दाम। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। देश की आजादी के 75वें साल के खास मौके पर उत्तर प्रदेश को 75 परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। आज लखनऊ पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव की शुरुआत करने जा रहे हैं और साथ ही 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। बता दें कार्यक्रम अब से थोड़ी ही देर बाद 10:30 बजे से शुरू होने जा रहा है और ऐसे में सोमवार को एक सरकारी बयान में कहा गया कि न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह सोमवार को ही लखनऊ पहुंच चुके थे, ऐसे में लखनऊ राजनाथ सिंह का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भी है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम आवास योजना के अंतर्गत 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से चाबी भी सौंपेंगे और योजना के कुछ लाभार्थियों के साथ वर्चुअल बातचीत भी करेंगे। साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटीज की सफलता की 75 कहानियां पारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी करेंगे और इसके अलावा जनपद लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी के लिए 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया जाएगा। बता दें वो एक्सपो में लगाई जा रही 3 प्रदर्शनियों का भी अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की घोषणा भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री का आज लखनऊ दौरा है जहां पर वो यूपी की जनता को सौगात देने जा रहे हैं, 75 शिलान्यास करेंगे, योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि वहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं। तो आपको बता दें आज लखनऊ दौरे पर हैं मुख्यमंत्री और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आज लखनऊ का दौरा है जहां पर वो पहुंचेंगे और 75 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उनके साथ आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी और इसके अलावा आपको बता दें कि राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही पीएम आवास योजना के तहत कई लाभार्थियों को उनके घर की चाबी भी प्रधानमंत्री सौंपेंगे, साथ ही कुछ लाभार्थियों से वर्चुअली बातचीत भी करेंगे। और अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 10:30 के करीब इस पूरे कार्यक्रम के शुरू होने की संभावना भी है। तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंच रहे हैं जहां पर वो कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, आज प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंच रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए 10:30 बजे पीएम मोदी पहुंचेंगे और उद्घाटन करेंगे और जो प्रोग्राम है उनमें ये बताया गया कि न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। 3 दिवसीय ये राष्ट्रीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव होगा जिसमें 75 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा और साथ ही साथ शिलान्यास करेंगे। वही 4,737 करोड़ की जो बजट है उसमें 75 परियोजनाओं को लोकार्पण करेंगे और उसके साथ ही साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है जहां पे ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा और उद्घाटन के समय में गवर्नर मौजूद होंगे, सीएम मौजूद होंगे और उसके साथ साथ लखनऊ में कल रात में ही रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह पहुंच चुके थे और मंत्री जो है डॉक्टर महेंद्र नाथ उनके साथ पहुंच चुके थे। और अभी जो तैयारियां हैं 10:30 बजे लखनऊ रात से ही बिल्कुल तैयार कर दिया गया था, झंडे बैनर और जो तैयारियां होती है जगह जगह को लाइटिंग से सजा दिया गया था। पीएम का जो कार्यक्रम है 10:30 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटी के 75 सफल परियोजनाओं को वो कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी करेंगे और आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में कुल मिला के कहा जा सकता है 4,737 करोड़ रुपए की जो 75 परियोजनाओं का शिलान्यास और उनका लोकार्पण करने के लिए खास तौर से आज पीएम लखनऊ आ रहे हैं। बिल्कुल रूबी, और यहाँ पर लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की भी घोषणा करने वाले हैं। जी बिल्कुल, आज कई परियोजनाओं और योजनाओं का वो घोषणा करेंगे और इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि खासतौर से पीएम जो जाते हैं तो ऐसे योजनाओं के लिए इंतजार किया जाता है क्योंकि साल में ये दूसरा उनका ट्रिप माना जा गया है और अब चुनाव नजदीक है और अंत में जो इनके योगी सरकार के जो अधूरे सपने थे वो अब मोदी के हाथों पूरे कराए जा रहे हैं। और अर्बन जो अमृत महोत्सव के नाम से इन्होंने इस प्रोग्राम का नाम रखा है और पीएम जो अर्बन के 5 लाभार्थी जो होंगे उससे बात भी करेंगे, साथ ही साथ जो 75 जिलों से जो लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से चाबी भी देंगे। जी बिल्कुल रूबी, और प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, राज्यपाल भी मौजूद रहेंगी वहां पर, तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? फारूल, सुरक्षा को लेकर 3 दिन से ही पहले से तैयारियां चल रही थी। लखनऊ से खास तौर से अलग से फोर्सेस को इंतजाम किया गया था और जगह जगह पे जो बैरिकेडिंग है उनका भी इंतजाम कर दिया गया था और प्रधानमंत्री के कुछ जगह पे और भी प्रोग्राम है जिसको जैसे अस्पताल है यहाँ के पीजीआई खासतौर से वहाँ पे इंतजाम किए गए हैं और 6 अस्पतालों को वो सेफ हाउस भी बनाए गए हैं और इसके साथ साथ एम्बुलेंस की भी खास व्यवस्था की गई है। तो कहा जा सकता है जब प्रधानमंत्री शहर में आ रहे हैं और ऐसे में कोई भी चूक ना हो, योगी सरकार के लिए प्रोटोकॉल भी है, साथ साथ मौजूद रहेंगे और कहीं से भी कोई चूक ना हो इसके लिए खास इंतजाम करके रखे हुए हैं। 10:30 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और लगभग लगातार जो प्रोग्राम है वो वीवीआईपी मूवमेंट के हिसाब से चलेगा। सड़कों पे बिल्कुल जो आम जनता है उसके लिए डायवर्जन मूव कर दिया गया है, उन जगहों से लेकर जगह जहाँ जहाँ पे पीएम का प्रोग्राम है उन जगहों को लेकर खास तौर से बंद कर दिया गया है। जी चलिए ठीक है रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच रहे हैं जहां पर वो 75 नई परियोजनाओं का प्रदेश की जनता को सौगात देने वाले हैं, साथ ही पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को उनके घर की चाबी भी सौंपेंगे। लखीमपुर खीरी में हिंसा में मारे गए किसानों की शहादत पर सीतापुर में पुलिस लाइन पर कैंडल जलाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि उन्हें दी। वहीं प्रियंका गांधी सुबह से ही उपवास पर हैं, कुछ भी न खाया है उन्होंने और न ही पिया है। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक प्रियंका गांधी शहीद किसानों के परिवार से मिल नहीं लेती और हत्यारे केंद्रीय मंत्री की बर्खास्त नहीं किया जाता। आपको बता दें कि हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, ये तमाम बातें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कैंडल मार्च कांग्रेस की तरफ से निकाला गया है। वहीं प्रियंका गांधी भी लगातार इस घटना को लेकर सरकार पर तंज कस रही हैं, विरोध कर रही हैं और ऐसे में जिद पर अड़ी हुई हैं कि किसी भी तरह वो उन्हें लखीमपुर खीरी जाने देना चाहिए और वहाँ किसानों से परिवारों से वो मुलाकात करें। और साथ ही प्रियंका गांधी ने उपवास भी रखा है, उन्होंने कहा है कि वो उपवास पर हैं और जब तक यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक प्रियंका गांधी किसानों के शहीद किसानों के परिवारों से नहीं मिल लेती हैं तब तक वो इसी तरह से आंदोलन करती रहेंगी। लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि इस वीडियो में गाड़ी कौन चला रहा है ये भी साफ तौर पर नहीं दिख रहा। ये वीडियो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्विटर पर डाला है। ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए संजय सिंह ने लिखा, क्या इसके बाद भी कोई प्रमाण चाहिए? देखिए सत्ता के अहंकार में चूर गुंडे ने किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कैसे रौंद कर मार दिया। कुछ चैनल ज्ञान दे रहे हैं कि मंत्री का बेटा जान बचाने के लिए भागा और
इसके साथ ही संजय सिंह ने हैशटैग किसान हत्यारी भाजपा हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और श्रीनिवास ने लिखा कि ना तो कोई किसान उपद्रव मचा रहा था और ना ही कोई किसान गाड़ी पर पथराव कर रहा था। मंत्री का बेटा अपने बाप के आदेश का पालन कर रहा था और किसानों को बेरहमी से पीछे से कुचल रहा था। सब कुछ सबके सामने है, शर्म करो नरेंद्र मोदी। तो ये वीडियो देख सकते हैं आप किस तरह से रविवार को लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ उसके बाद तमाम वीडियो इस घटना से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। एक ये वीडियो भी सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि ये वीडियो वही वीडियो है जिसमें गाड़ी से किसानों को रौंदा जा रहा है और किसानों पर गाड़ी चढ़ाई जा रही है। और ऐसे में इस वीडियो को लेकर हालांकि वीडियो की सत्यता न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया नहीं करता है, लेकिन आपको ये बता दें कि ये वीडियो अभी भी इतना क्लियर नहीं है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। रूबी, जिस तरह से इस पूरी घटना के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं, अब एक बार फिर से इस वीडियो को लेकर सियासत की जा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस वीडियो को ट्वीट किया गया है, उधर कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। अरुण, देखिए कुछ साक्ष्य ऐसे होते हैं जो हर एक हादसे के बाद जरूर निकल के बाहर आते हैं जी। और ऐसे में कहा जा सकता है लखीमपुर का जो मामला था कल थमने का नाम ही नहीं दे रहा था। सरकार ने प्रशासन के साथ मिलकर लखीमपुर में एक आपसी प्रथा करने के बाद समझौता जरूर करवाया, लेकिन वही राकेश टिकैत ने एक समझौते के लिए 11 दिन की मांगे भी पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शन का एक चेतावनी भी दी है। जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि जो मांगे हैं यानी कि 45-45 लाख की जो मृतक आश्रितों को जो देना है उसकी घोषणा की गई है, एक सदस्य की सरकारी नौकरी के लिए कही गई है। लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप अगर हम पारुल बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ दिखता है कि जो ये हादसा है काफी बड़ा हादसा माना जा रहा है, क्योंकि इसकी चपेट में पूरा उत्तर प्रदेश जल उठा था। और कहीं कहीं ये भी कह सकते हैं कि अब ये जो वीडियो सामने आया है तो ये आग में घी डालने वाला जरूर काम कर रही है, लेकिन जो सरकार है वो लगातार इसी बात को लेकर कह रही थी कि किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दें। कल की अगर हम बात करते हैं तो कल शाम से लेकर अभी सुबह तक में नेटवर्क की प्रॉब्लम इसीलिए आ रही थी कि इन अफवाहों को लगाम लगाया जा सके, ताकि कोई भी वीडियो हो या कोई भी संदेश हो या कोई भी मैसेज हो वो इस तरीके से फैलाया ना जाए। इन चीजों को लगाम लगाने के लिए ही सर्वर को डाउन कर दिया गया था। और लखनऊ समेत लखीमपुर की अगर हम बात करते हैं, जियो को जो कनेक्शन थे उनको बंद पूरी तरीके से कर दिया गया था। अब अगर बिल्कुल बिल्कुल रूबी, और जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है, देखिए लगातार किसान कह रहे थे कि गाड़ी चढ़ाई गई थी किसानों पर। उधर बीजेपी के जो कार्यकर्ता और नेता थे उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि हमारे काफिले पर डंडे बरसाए गए थे। तो देखिए इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब गाड़ियां निकल रही थी दोनों तरफ किसान वहां पर मौजूद थे, और ऐसे में जब काफिला निकल रहा था तो गाड़ियों पर डंडे बरसाए जा रहे थे, जिसके बाद ही गाड़ी की स्पीड बढ़ी थी। पारुल, देखिए ये वीडियो को लेकर पहले भी बात हुई थी और इसमें पहले भी कहा गया था कि उसके किसान भी पहले से ही बात बोल रहे थे कि मेरे पास सबूत है कि ऐसे हाथ से डंडे और मारपीट से नहीं हुए, कुचला गया है। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो के आधार के ऊपर ही वो बातचीत कर रहे थे, लेकिन जो सरकार है वो लगातार इस बात को लेकर कह रही थी कि ये ऐसा नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट निकल के आई है, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये ना कोई गोली लगी है, सिर्फ ब्रेन से चोट लगने की वजह से इस तरीके से लोगों की डेथ हुई है। तो कहा जा सकता है अब ये वीडियो के आधार से सरगर्मियां फिर से एक बार जरूर तेज हो गई है, लेकिन विराम लगाने के लिए सरकार तैयार है। और सरकार ने ये भी कहा था, अब मैं कल की एडीजी की बयान रात में जारी हुए थे, जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी वीडियो या कोई भी मैसेज कहीं से फिर से आता है तो इसमें बिल्कुल भी ध्यान ना दिया जाए। यानी कि सरकार ने पहले ही मान लिया है कि आगे जो तैयारियां हैं वो काफी इनके लिए कठिन जरूर होने वाली है, लेकिन अगर इस वीडियो की बात करते हैं तो विपक्ष ने इसको जरूर ढाल बना दिया है। जी चलिए ठीक है रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखीमपुर की घटना के बाद रविवार से ही इस पूरी घटना को लेकर तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, और उसको लेकर अब एक और वीडियो सामने आया है जिसको आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया है। वहीं कांग्रेस ने भी इस पूरी वीडियो को ट्वीट किया है और बीजेपी सरकार को एक बार फिर से घेरे में लिया है।
सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायलों की जान बचाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ी पहल की है। सड़क मंत्रालय सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को गंभीर चोट लगने के खंचे के अंदर अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को 5,000 रुपए नकद का इनाम दिया जाएगा। मंत्रालय ने सोमवार को ये जानकारी दी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों और परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि ये योजना 15 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी होगी। मंत्रालय ने सोमवार को नेक मददगार को पुरस्कार देने की योजना के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का मकसद आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए आम जनता को प्रेरित करना है। नगद पुरस्कार के साथ एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इस पुरस्कार के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर 10 सबसे नेक मददगारों को 1,00,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया जाएगा। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। ऐसे में राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल के भाव में 25 पैसे और डीजल की कीमतों में 30 पैसे का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 102.64 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है, जबकि डीजल का भाव 91.07 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं सोमवार को कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ था। जिसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको बता दें, सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को जरूर मिली थी और ब्रेंट क्रूड का भाव 0.13% से घटकर 39.38 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया था। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने 48 घंटे में किसान व्यापारी की हत्या का खुलासा कर दिया है। इसी के साथ ही पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को 2 अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। और बताया जा रहा है कि बदमाश व्यापारी की दुकान पर सिगरेट लेने के लिए पहुंचा था, तभी सिगरेट न देने पर नाराज बदमाशों ने बुजुर्ग व्यापारी की गला दबाकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 48 घंटों में इस हत्या का खुलासा कर लिया है। साथ ही 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, 2 तारीख को थाना संग्रामपुर में गांव नैना बर्थली में सूचना प्राप्त हुई थी कि राम कुमार यादव जी की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में थाना संग्रामपुर के अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। SP साहब के निर्देशन में 3 टीमों का गठन किया गया था। आज थाना संग्रामपुर पुलिस और SOG द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एक का नाम है संदीप, दूसरे का नाम है अमन सरोज। अभियुक्तों से पूछताछ में बताया कि अभियुक्त लोग उनके दुकान के आसपास शराब पी रहे थे। शराब पीने के बाद उन्हें सिगरेट की आवश्यकता महसूस हुई तो वो रात को राम कुमार जी के दुकान पर सिगरेट मांगने गए। सिगरेट मांग ना देने के विवाद के कारण हाथापाई हुई और इन लोगों ने उनका गला दबाकर मार दिया। इस संबंध में अमन सरोज का आपराधिक इतिहास भी मिला है। अमन सरोज पहले भी फरवरी माह में थाना संग्रामपुर से ही जेल गए थे। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। दोनों अभियुक्तों के पास से 1-2 तमंचे और 2 जिंदा कारतूस 12 बोर की बरामद हुई है। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र में उर्स के दौरान कुछ जायरीनों ने रूट डायवर्जन को लेकर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। रूट डायवर्जन के चलते नाराज जायरीनों ने पुलिस पर अचानक पथराव किया। पथराव की स्थिति को देखकर जवाब में पुलिस ने भी जायरीनों पर काबू पाने के लिए लाठियां चलाई। बता दें, श्यामगंज चौराहे पर ओवरब्रिज के पास हंगामा उन्होंने खड़ा कर दिया और ऐसे में उर्स में जायरीनों के जाने के लिए और शहर की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए रूट डायवर्जन भी किया गया था। जिला प्रशासन की ओर से स्पेशल रूट डायवर्जन किया गया था, लेकिन जायरीन फिर भी नहीं माने और श्याम गंज से निकलने की जबरदस्ती करने लगे, जिसके बाद पुलिस की तरफ से कई बार जायरीनों को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन गुस्साए जायरीनों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठी बल का प्रयोग कर भीड़ को नियंत्रण में किया।
आला हजरत का 103वां उर्स है। कुछ ज़ायरीन जो हैं इस्लामिया ग्राउंड और सिविलियन मतलब पर जाने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे थे, जिन्हें समझा बुझा के अलग अलग रूट पे डाइवर्ट कर दिया गया। फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है। पथराव भी हुआ था, पुलिस ने पथराव किया था, क्या हल्का बल प्रयोग और थोड़ा घेरना पड़ा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आखिर क्या क्या ये नौबत क्यों आई थी, क्या वजह रही? कुछ पथराव किया, कुछ लोग थे उसमें थोड़े एक्साइट हो रहे थे, उन्हें समझा दिया गया और वो वापस अपने अपने घर या अपनी घर के पास जो मस्जिद है वहाँ पे फुल पड़ रहे हैं। अभी शांति बनी सर। जो फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र में पुलिस की तरफ से लुटेरों और चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अलग अलग जगहों से 36 चोरी की बाइक के साथ 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इसमें से 12 चोर हैं जबकि 5 कबाड़ी हैं जो चोरों से कम पैसों में बाइक खरीदा करते थे और उनके पार्ट को बेचा करते थे। ऐसे में पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पकड़े गए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये वाहन चोरों का गैंग है, ये लूट भी करते हैं, हाईवे पे लूट भी कर लेते हैं गाड़ियों की और अस्पताल से, मंदिर से, स्कूल कॉलेज से गाड़ियाँ चुरा लेते हैं। तो ये कुल आपके 36 गाड़ियां रिकवर हुई हैं और 17 अभियुक्त हैं। दो थानों का ऑपरेशन है, रसूलपुर का, मक्खनपुर का। 36 गाड़ियां, 17 अभियुक्त पकड़े गए हैं। मेरा एक संकल्प है कि वाहन चोरों से विहीन कर देंगे फिरोजाबाद को। लोग बहुत परेशान होते हैं इससे। ये बहुत सफल कार्रवाई की गई है मक्खनपुर यशो महेश द्वारा और अनिरुद्ध जो प्रभारी इस समय हैं रसूलपुर थाने के, इनका ज्वाइंट ऑपरेशन है। बहुत बड़ी सफलता है। जहाँ से चोरी हुई थी वहाँ की कोई मतलब उनसे मैचिंग हुई है? 4 गाड़ियाँ हमारी कनेक्ट हो गई हैं जहाँ से चोरी हुई हैं और बाकी अभी कनेक्ट करने का प्रोसेस चल रहा है। सर कितने दिन से कर रहे हैं ये तो कम से कम 4-5 साल से कर रहे हैं ये लोग, और करते रहते हैं, बेचते रहते हैं जिससे पता लगा। हाँ सर, हाँ भी ये जो लूट करते हैं तो कट्टा भी रखते हैं हमने सर। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार बेलगाम ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार भाई बहन को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। दोनों मृतक केमराला गांव के रहने वाले थे जो कि अपने गांव केमराला से मोटरसाइकिल पर ही सवार होकर दादरी पहुंचे थे, लेकिन दादरी कस्बे में पहुंचते ही ये हादसा हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र में एक अस्पताल में परिजनों ने 7 साल के मासूम को गलत इंजेक्शन लगाकर मारने का आरोप लगाया है। 7 साल के मासूम के पेट में दर्द होने के चलते परिजन उसे डॉक्टर के पास लेकर गए थे, जहां डॉक्टर ने उसे गलत इंजेक्शन लगा दिया था। सर बच्चे की मृत्यु मेरे यहाँ नहीं हुई है, मेरे यहाँ बच्चा रात को 10-11 बजे आया था। बच्चा काफ़ी सीवियरली डिहाइड्रेटेड, पानी कमी और उल्टियों के साथ आया था। उसका उपचार किया गया, उपचार के बाद भी सुबह को तबीयत में सुधार नहीं हुआ, ठीक है, और उसके बाद बच्चे को म्यूचुअल उससे रेफर कर दिया गया। सर ऐसा कोई इंजेक्शन नॉर्मली होता नहीं कि हम गलत इंजेक्शन क्यों लगाएंगे, और सब कुछ मेरे सुपरविजन में लगता है, ऐसा नहीं कि कोई अलग से लगाएगा, मेरे बिना आज्ञा के बिना उसके कोई नहीं लगता है। सर मेरे जो वो है, मैं जितना भी काम करता हूँ मैं अपनी सुपरविजन में ही करता हूँ, मैं स्टाफ पे नहीं छोड़ता। परिजनों का एक आरोप ये भी है कि बच्चे की मृत्यु के बाद आप लोगों ने खुद ही एम्बुलेंस बुलाई और उसमें जो है बच्चे को आप लोग जो है भिजवा देते। सर ऐसा कैसे होगा कि हम बिना उसके किसी को भी भिजवा देंगे? ये आरोप नहीं, वही कहना है सर, ऐसा कैसे होगा? बस वो सुबह पूरी रात उन्होंने बोतलें चढ़ाई, फिर सुबह ही इसका मैंने ऑक्सीजन लेवल चेक करवाया, हार्ट बीट चेक करवाई, सब कुछ नॉर्मल था। फिर उसके बाद इन्होंने 5 मिनट बाद ही एक इंजेक्शन लगाया, वो इंजेक्शन लगाने दो, और इसने 2 बार हिचकिया ली, तीसरी बार सांस नहीं लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संकुल जैन। कहाँ के रहने वाले हो? और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।